संकटों में फंसे हुए देश को निकालना है तो मजबूत सरकार ही निकाल सकती है। जो सरकार खुद को बचाने में लगी रहे, जो अपनी कुर्सी के पहिए पकड़ने में लगी रहे, वो सरकार क्या करेगी? और इसलिए सरकार ऐसी हो जो देश को बचाए, न कि कुर्सी बचाने में फंसी रहे। और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 300 के अधिक सीट दीजिए और हमारे एनडीए के सभी साथियों को पूरी ताकत दीजिए और हम सब मिलकर के आपके सपनों का भारत बनाने के लिए जी जान से जुड़ जाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं ये बात हिम्मत से इसलिए कह रहा हूं, कैसा नहीं है कि हम देश को आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं है कि हम हमारे देश को बचा नहीं सकते। मैं गुजरात का उदाहरण देता हूं, हमारे यहां 2001 में भयंकर भूकंप आया था, आप सबको याद है 26 जनवरी को भयंकर भूकंप आया था। गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था और चारों तरफ लोग कहते थे अब गुजरात नहीं बचेगा, अब गुजरात खत्म हो जाएगा, ये सब लोग कहते थे। 2001 में जनवरी में भूकंप आया, 9 महीने के बाद अक्टूबर महीने में मुझे गुजरात मुख्यमंत्री के नाते काम दिया गया। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लोग विश्वास खो चुके थे, निराशा का माहौल था, अब गुजरात नहीं बचेगा ये सबने मान लिया था। मैंने ठान ली थी हम गुजरात को मरने नहीं देंगे, हम गुजरात को आगे निकालेंगे। और भाइयों बहनों, परिश्रम की पराकाष्ठा की, सारे देश गुजरात को जगाया, जन जन चल पड़ा, 3 साल के भीतर भीतर भूकंप के भयंकर हादसे के बाद भी गुजरात उठ खड़ा होकर के दौड़ने लग गया था। इस मेरे अनुभव से कहता हूं, आत्मविश्वास से कहता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं, और आप लोगों का मुझ पे जो भरोसा है उस भरोसे के आधार पर कहता हूं, देश भी आगे बढ़ सकता है। समस्याओं से छुटकारा पा सकता है, नौजवानों का भविष्य फिर से आशा और विश्वास से हरा भरा हो सकता है। सब कुछ संभव है। हमारे बाद आजाद हुए दुनिया के छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल चुके हैं, तो 125 करोड़ का देश, 6-6 ऋतुओं का मालिक देश, हर प्रकार की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति की शक्ति वाला देश, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत वाला देश, दुनिया को देने के लिए पैदा हुआ देश क्या कुछ नहीं दे सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके मतदान पर, आपके निर्णय पर आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ है। और मैं ये भी बताऊं कि भले सरकार आप 5 साल के लिए चुनोगे, लेकिन ऐसे पड़ाव पर हम खड़े हैं, ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, इस बार जो आप चुनाव करोगे ना, जो सरकार बनाओगे, वो ऐसी सरकार बननी चाहिए जो आने वाली पूरी शताब्दी के लिए हिंदुस्तान के विकास की मजबूत नींव रखे। दिव्य भारत, भव्य भारत, इस सपने की मजबूत नींव आपके एक वोट से होने वाली है। और इसलिए मेरा आग्रह है, पॉलिटिकल पंडितों की गिनतियों में मत तोड़ो, आपके अपने भविष्य को बनाने के लिए सोचिए। भाइयों बहनों, देश कांग्रेस से निराश क्यों